नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट केसरी में। मैं हूं अभिनव। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कल जीत की खुशी में इतने मशगूल हो गए कि अपना पासपोर्ट ही भूल गए। होटल से चेकआउट करने के बाद रोहित बस में बैठ चुके थे, उसके बाद उन्हें याद आया कि एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं, मगर बिना पासपोर्ट के कहां जाएंगे। पासपोर्ट भूलने के बाद एक स्टाफ ने उनकी मदद की और फिर उन्हें पासपोर्ट मिला। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें रोहित शर्मा पासपोर्ट को बस में इंतज़ार करते दिख रहे हैं। रोहित शर्मा के भूलने के बाद लोगों ने विराट कोहली के एक किस्से को भी याद किया। तो आइए वीडियो के जरिए आपको बताते हैं इससे जुड़ी आगे की खबरें। दरअसल भारत के किंग माने जाने वाले विराट कोहली ने 2017 में ही एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि कप्तान रोहित शर्मा को टीम में सबसे ज़्यादा भूलने की बीमारी है। वो कभी भी कहीं भी कुछ भी भूल जाते हैं। कोहली ने बताया था कि रोहित कई बार मोबाइल, आईपैड, पासपोर्ट होटल के रूम में भूल चुके हैं। एक बार तो वह अपनी एंगेजमेंट रिंग भी भूल चुके थे। हालांकि हर बार होटल स्टाफ उनकी सामान की सुरक्षा कर लेते हैं, जिस वजह से उन्हें उनका सामान मिल जाता है। विराट कोहली की यह कहानी कल क्रिकेट फैंस ने अपने आंखों से देख ली। वायरल हुए वीडियो में रोहित शर्मा बस में इंतज़ार करते दिखाई दे रहे थे और बाहर खड़े क्रिकेट फैंस हूटिंग कर रहे थे। भारतीय टीम ने कल हुए एशिया कप के फाइनल मुकाबले को बड़े आसान तरीके से जीत लिया और 8वीं बार इस टूर्नामेंट की चैंपियन बन गई टीम। वहीं इसके अलावा रोहित शर्मा भारत के पहले कप्तान बन गए जो कि 3 बार किसी भी टीम को 10 विकेट से हराया है। जीत की खुशी में रोहित शर्मा अपना पासपोर्ट भूल गए। भारत एशियाई चैंपियन बनने के बाद स्वदेश लौट चुका है। वहीं अब भारत का अगला मिशन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों का वनडे सीरीज है, जो कि 22, 23 और 25 सितंबर को खेला जाना है। भारत सीरीज पर भी कब्जा जमाना चाहेगा ताकि टीम आत्मविश्वास के साथ आगामी विश्व कप में उतरे। फिलहाल क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और भी अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।